लिए प्रोत्साहित करने के लिए कैसा लग रहा है पहले तो ये बताइए। देखिए ये काम मैं पिछले 17 सालों से कर रहा हूँ और 17 सालों के पहले 27 सालों से मैं आयुष्मान भव कह रहा हूँ। सो मेरे लिए देश के सभी या तो मेरे साथ बड़े हुए हैं बच्चे या फिर जो बड़े हैं और बड़े हुए हैं, मैं अभी तक छोटा होता जा रहा हूँ। तो मेरे लिए बच्चों का ख़ास तौर पर 17 सालों से एक ऐसा नाता जुड़ा है कि आज भी शक्तिमान के नाम पे लोग दूध पीते हैं, दूध नहीं पीते थे, माँ कहती है आपके नाम पे 3 बार दूध पीते हैं। सो मैं आज का इस नवरात्रि का एक बहुत पावन एक उत्सव है जो ख़ास तौर पर हमारा गुजरात और महाराष्ट्र और पूरे देश में मनाते हैं। शक्ति का प्रतीक है, शक्ति हर इंसान को शक्ति चाहिए। शक्तिमान भी शक्ति का प्रतीक था, दुर्गा माँ भी शक्ति के प्रतीक है और मैं चाहता हूँ कि दोनों की तरफ से मैं आप सभी लोगों को शक्ति दूँ। साथ में ये भी कहूँ कि आप जब तक खुद को शक्तिशाली नहीं बनाओगे आप शक्तिशाली नहीं बनोगे, क्योंकि शक्ति का अपार खजाना आपके अंदर निहित है। जैसे शक्तिमान बताता है कि आपका मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, जब आपकी मूलाधार से शक्ति उजागर होती है, हमारे जिंदगी में हर इंसान चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, लड़का हो लड़की हो, गरीब हो अमीर हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, सिख हो ईसाई हो, सबके अंदर शक्ति का अपार खजाना छुपा रहता है कुंडलिनी में। बहुत से हमारे में से 95% से 99% लोग उस शक्ति से पैदा होते हैं, शक्ति को लेकर मर जाते हैं। कुछ लोग जो शक्ति को उजागर करते हैं, उजागर करने का मतलब ये नहीं है कि 14 साल जैसे शक्तिमान ने किया, आप कोई भी गेम खेलो, कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, कोई भी मेडिटेशन करो, योगा करो, आपकी शक्ति, आपकी आध्यात्मिकता धीरे धीरे बढ़ती है। तो जो उसको उजागर करता है वो पंडित गंगाधर से शक्तिमान बन जाता है। देखिए आप ये बात भूल जाते हैं कि ये जिंदगी संघर्ष का नाम है, हमारे लिए हर पल संघर्ष है। ये ऑर्गेनाइजर्स के लिए संघर्ष है, कोई बड़ी बात नहीं है। हर आदमी रेल की ट्रेन जब पकड़ता है बोरीवली से तो चर्चगेट पहुंचता है तो वो भी धक्का धुक्की में मारामारी करके पहुंचता है, वो भी संघर्ष करता है। तो ऑर्गेनाइजर्स को मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया जो 4 महीने से आप काम कर रहे हैं, ये आपको करना है। आप ऑर्गेनाइजर्स बैकड्रॉप में रहता है, जितना ऑर्गेनाइज अच्छा करेगा आगे वाले इन्जॉय करेंगे। तो उनका ये कर्तव्य है, उनका ये फ़र्ज़ है कि वो अच्छा ऑर्गेनाइज करें। अगर उनको शक्ति चाहिए तो मैं शक्तिमान भव कह सकता हूँ, विजयी भव कह सकता हूँ। सक्सेसफुल रहिए आप लोग, पर कर्म कीजिए। अगेन मैं वही कहता हूँ कि जब तक ऑर्गेनाइजर सही नहीं होगा काम सही नहीं होगा। बस यही कहूंगा कि शक्तिमान जी आए हैं तो हमें भी थोड़ी शक्ति प्रदान करके जाएं ताकि बाकी के जितने दिन है बहुत अच्छे से माँ की सेवा भक्ति और लोग बहुत सारा एंजॉय करके अगले साल वापस। यस, ये तो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। देखिए दुनिया, जब मैंने शक्तिमान बनाया किसी ने सुपर हीरो नहीं बनाया, किसी ने सोचा नहीं। लोग हीरो बनाते हैं, लोग कॉमेडी बनाते हैं, लोग इतने छेद करूंगा कि फिल्में भी बनाते हैं। लेकिन किसी ने सही नहीं सोचा कि हमारे देश, हम क्यों, हमारा बच्चा जो है वो सुपरमैन देखता है, स्पाइडरमैन देखता है, बैटमैन देखता है। हमने सोचा, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा बन जाएगा, और इतना बड़ा बनने के बाद में एक माँ मुझसे आकर ऐसे खड़ी हो जाती है, कहती है हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं कहता हूँ बहन जी बताइए। बोला नहीं बहुत शुक्रगुजार है। मैंने कहा बताइए तो सही। बोला हमारा बच्चा दूध नहीं पीता था, उसको मारते थे, दूध नहीं पीता था, आज 3 बार हंस के दूध पीता। कहता शक्तिमान ने कहा है कि दूध पिएंगे तो शक्तिशाली बनेंगे। सो ये एक इंस्पिरेशन है। हनुमान भी इंस्पिरेशन हो सकता है, दुर्गा माँ भी इंस्पिरेशन हो सकती है, एक पत्थर भी इंस्पिरेशन हो सकता है। शक्तिमान सिर्फ सुपर हीरो नहीं है, सुपर टीचर भी बन गए। उसके माध्यम से मैंने 100 से ज़्यादा मैसेजेस दिए। शरीर मंदिर है, उसकी पूजा कीजिए, आपके काम आएगा। सिट टॉलेस्ट, स्टैंड टॉलेस्ट, वॉक टॉलेस्ट, जब भी खड़े रहो सीधे खड़े रहो, से लेकर बड़े बुजुर्गों का आदर करो। सो आई हैव वी हैव अचीव्ड समथिंग विच अदर सुपर हीरोज हैव नॉट अचीव्ड। और मुझे दुख है कि बाद में सुपर हीरो बने नहीं। मुझे सुपर बनाने के लिए आर्यमान बनाना पड़ा फिर से 4 साल के बाद।
पर अभी लोग कहते हैं रावण सुपर हीरो है, तो माफ करना, रावण सुपर हीरो नहीं है। क्रिश यस उस लाइन पर चल चुका है, पर उसको अभी भी प्रूव करना है कि वो सुपर हीरो, बट देश का पहला सुपर हीरो तो मुझे भी बोलने की जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता कौन था, कौन है, कौन रहेगा। पर हमारे देश की संस्कृति इतनी बड़ी है कि सबका स्वागत है। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयाम। फिर से वो श्लोक कल वाला ही, अभिष्ट सिद्धि में देही शरणागत वत्सल भक्त्या समर्पये तुभ्यं समस्त आवरण अर्चनम चरण पादुकं नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि।